एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई अमीर था तो दूसरा बहुत ही गरीब था। बड़े भाई के पास सब कुछ था और जो छोटा भाई था उसके पास ना तो खाने को रोटी थी और ना तन पर पहनने को कपड़े थे। वहीं पर छोटे भाई का परिवार बिल्कुल भूखा था, उनके पास राशन खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। छोटा भाई बड़े भाई के पास मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन बड़ा भाई उसको धिक्कार कर वहां से भगा देता है। एक बार जब छोटा भाई काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठर था। दादाजी लाइए, आपकी मैं मदद कर देता हूँ, ये लकड़ियों का गट्ठर काफी भारी है, आपसे नहीं उठ पाएगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? जी मैं क्या करूँ, मेरा परिवार भूख से मर रहा है और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा बड़ा भाई भी मुझे साथ नहीं दे रहा है, मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। दादाजी क्या आप मेरी मदद कर पाएंगे? ठीक है बेटा, ऐसा करो, अगर ये लकड़ियों का गट्ठर तुम मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिससे कि तुम बहुत अमीर बन जाओगे। ठीक है दादाजी। फिर वो छोटा भाई उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे बड़ा सा लकड़ियों का गट्ठर उठाकर चल दिया और उस बूढ़े व्यक्ति के घर पहुंच गया। शुक्रिया बेटा, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी गरीबी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने उस छोटे भाई को एक खीर का कटोरा दिया। ये लो, कुछ दूर जंगल में जाने के बाद तुम्हें 3 आम के पेड़ दिखेंगे। बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उन 3 आमों के पीछे तुम्हें एक चट्टान दिखेगी जिसमें एक गुफा है। फिर तुम उस गुफा के अंदर चले जाना, वहाँ पर 3 बोने रहते हैं बेटा, उन्हें खीर बहुत पसंद है और वो इस खीर को तुमसे किसी भी कीमत पर जरूर मांगेंगे खाने के लिए। तुम इस खीर के बदले उनसे पैसे मत मांगना बेटे, और उनसे कहना कि मुझे तो बस अपनी फत्तर की चक्की दे दो। फिर बूढ़े व्यक्ति के कहे मुताबिक छोटा भाई जंगल में चला गया और उसे बहुत सारे पेड़ जंगल में दिखाई दिए। फिर कुछ दूर चलने के बाद उस छोटे भाई को एक आम का पेड़ दिखाई दिया। फिर उसने ध्यान से देखा तो 3 आम के पेड़ उसे दिखे, वो भी त्रिभुज की तरह कतार में खड़े थे और बीच वाले पेड़ के पास एक चट्टान थी। फिर उसे एक गुफा दिखाई पड़ी, वो अंदर चला गया। फिर 3 बोनों में से एक बोने ने उसके हाथ में खीर देखी। फिर बोना बोला, अरे ये खीर हमें दे दो, तुम्हें इसके बदले में जो चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है ये खीर तुम ले लो, लेकिन इसके बदले में मुझे अपनी पत्थर की चक्की दे देना। ठीक है ये चक्की लो, इसे कोई मामूली चक्की मत समझना, इसे तुम चलाने के बाद जो भी चीज का नाम लोगे वो चीज निकल जाएगी, और हाँ इच्छा पूरी होने पर तुम इस पर लाल रंग का कपड़ा ढक देना। फिर बोनों ने उसे चक्की दे दी और छोटा भाई चक्की लेकर चल पड़ा। फिर वो चक्की लेकर घर आ गया और फिर उसने देखा कि उसके बीबी और बच्चे भूख के मारे पर लेटे पड़े हैं। फिर छोटे भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि एक कपड़ा बिछाओ, और उसने उस चक्की को उस कपड़े के ऊपर रख दिया। फिर उसने चक्की को घुमाया और बोलने लगा, चक्की चक्की दाल निकाल। फिर क्या था, बहुत सारी दाल का ढेर लग गया और फिर उसने लाल रंग का कपड़ा ढक दिया जिससे कि दाल निकलना बंद हो गई। फिर उसने लाल रंग का कपड़ा हटाकर फिर से चक्की घुमाकर बोला, चक्की चक्की चावल निकाल। फिर क्या था, दाल की तरह चावल का भी ढेर लगना चालू हो गया। फिर उसने थोड़ी देर बाद लाल रंग का कपड़ा ढक दिया। फिर सभी ने पेट भर खाना खाकर रात को चैन की नींद ली, और फिर वो प्रतिदिन चक्की से कुछ न कुछ सामान निकाल, आटा दाल चावल बाजरा ये सब निकाल कर लाद कर वो बाजार में जाकर बेच कर आ जाता है। फिर देखते ही देखते छोटा भाई काफी अमीर हो जाता है। फिर उसने एक बड़ा सा आलीशान बंगला खरीद। फिर ये सब अमीरी देखकर बड़े भाई को जलन होने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिन पहले तो ये फकीर की तरह मर रहा था, भूखा मर रहा था, लेकिन अब इसके हाथ ऐसा क्या लग गया है कि ये बहुत अमीर हो गया है। फिर ऐसा कहकर वो अपने छोटे भाई के घर में जाकर छिप गया और फिर उसने सब कुछ देख लिया जो चक्की से निकल रहा था। फिर वो अगले दिन मौका पाकर अपने छोटे भाई की चक्की को चुरा कर लेकर आ गया। फिर बड़ा भाई समय पाकर अपने परिवार के साथ समुद्र में कहीं दूर टापू पर बसना जा रहा था। फिर वह नाव में बैठे बैठे सोचने लगा, क्यों ना एक बार इस चक्की को देख ही लिया जाए। चक्की चक्की नमक निकाल। फिर क्या था, बहुत सारा नमक निकलना चालू हो गया और बड़े भाई को चक्की बंद करने का उपाय मालूम नहीं था, तो नमक के कारण पूरी नाव डूब गई और उसका परिवार भी उसके साथ डूबकर मर गया। तो दोस्तों आज की कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें
कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमें दूसरों की अमीरी पर नहीं जलना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन ऑल को यानी घंटी को दबा देना, जिससे कि मैं वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। और हाँ, अगर आप ऐसा करते हो तो मैं मान लूंगा कि आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, तो अपनी माँ के लिए एक लाइक जरूर करके जाना और सब्सक्राइब करके भी।